कानपुर कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विकास दुबे का लखनऊ वाला मकान भी अब ध्वस्त होगा। मकान था वो पहले ही ध्वस्त कल करवा दिया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब एक एक करके जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उसकी संपत्ति है, उसको जब्त करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में लखनऊ वाला मकान भी अब विकास दुबे का ध्वस्त किया जाएगा। तो भाई दीप प्रकाश का भी मकान ध्वस्त होगा कृष्णानगर की इंद्रलोक कॉलोनी में। आपको बता दें कि दोनों के मकान हैं, शासन से निर्देशों के बाद एलडीए के इंजीनियरों ने एक फाइल बकायदा बनाई है। एलडीए दोनों के मकान ढहाने के पुख्ता आधार खोजने में जुटा हुआ है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने एलडीए वीसी को एक पत्र लिखा है, जिसमें विकास और उसके भाई के मकानों का विवरण भी मांगा गया। एलडीए से पुलिस कमिश्नर ने अब कार्रवाई करने को कहा है। अपराधी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और जिसका मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी तक फरार चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं विकास दुबे के घर के बाहर और आप देख सकते हैं ये वही मकान है जहां पर वो अपराधी अक्सर अपना समय बिताता था। और कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से प्रशासन जो है वो हरकत में नजर आ रहा है। एलडीए के अधिकारी सुबह ही यहाँ पर पहुंचे हैं, इस पूरे मकान की नापझोक करी गई है, एक पूरी फाइल मांगी गई है इसके मकान को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर इसके भाई का भी मकान है, इनके मकानों को लेकर एलडीए प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से कागजों को बटोर रहा है। और साफ तौर पे पुलिस कमिश्नर ने एलडीए से कार्रवाई करने को कहा है, क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, वो जाहिर सी बात है उससे कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। और किसी भी तरह से इस अपराधी को ढूंढा जाना बहुत जरूरी बन गया है, जिसको लेते हुए पुलिस प्रशासन है या हम बात करें सरकार की, वो भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। और अगर किसी भी तरह के कागजों में कमी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है अपराधी विकास दुबे और उसके भाई के मकान को जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश।